पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। जिस तरह की घटना पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में घटा है वो बहुत ही अमानवीय है, और इस तरह की घटना को राजनीति से ऊपर उठकर बिहार के सभी राजनीतिक दल को इसका प्रतिकार करना चाहिए। इंडी गठबंधन के नेता जो बहुत बिहार के चिंता को लेकर के, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि सिलीगुड़ी में जो अंकित कुमार यादव के साथ जो बर्बरता हुई है ये सिर्फ पहली बार नहीं हुई है, क्योंकि जो भी बिहारी छात्र चाहे वो महाराष्ट्र में जाए, चाहे तमिलनाडु में, चाहे बंगाल में जाए, चाहे पंजाब में, सभी जगह हिंदी भाषी क्षेत्र के विद्यार्थियों को पीटा जाता है और उसके साथ बर्बरता होती है। कारण यह है कि बिहार की राजनीति हो चाहे उत्तर प्रदेश की, ये राजनीति जहां जातिवाद की राजनीति होनी चाहिए वहां क्षेत्रवाद की राजनीति होती है, और जहां क्षेत्रवाद की राजनीति होनी चाहिए वहां जातिवाद की। कारण कि बंगाल में जो घटना घटी है वो ममता बनर्जी की सरकार है और ये इंडी गठबंधन की सरकार गठबंधन का एक घटक दल है। इस मुद्दे पर लालू प्रसाद यादव के द्वारा फोन पर यह कहा जाने पर कि गिरफ्तारी लालू यादव के फोन के कारण हुआ है, वो सामने आकर ना तो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं और ना ही लालू यादव, ना ही अखिलेश यादव, क्योंकि ये कभी ममता बनर्जी के बारे में यदि एक भी कॉल करते हैं तो ये बड़ी बात होगी और ये बड़ा एक्शन होगा, और इस तरह का एक्शन यदि हुआ तो हिंदी भाषी क्षेत्र के जो भी विद्यार्थी कहीं जाएंगे उसके साथ कभी भी बर्बरता नहीं होगी। और आज बंगाल में जो सिलीगुड़ी में जो घटना घटी है अंकित यादव के साथ, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा क्यों उठाया जा रहा है? आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा ही इस मामले को उजागर क्यों किया जाता है? कारण कि यदि यही भाजपा की सरकार यदि बंगाल में होती तो वहीं अखिलेश यादव ये कहते कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराधियों के साथ जो कि यादव जाति के थे, तो वहीं बंगाल में अंकित यादव का ये घटना यदि होता और यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो ये कहता कि जादवों के साथ बर्बरता हो रही है। लेकिन अब जातिवाद का ठेकरा फोड़ने वाले ना तो अखिलेश यादव और ना ही तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर बयान दे रहे हैं, जिसके कारण हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चों के साथ बर्बरता पूरे गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में होता रहा है, और आगे इस प्रकार से यदि ये बयान नहीं देंगे तो यह आगे भी होता रहेगा। इस पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं? पहले आप ये बयान सुनिए। देखिए, जिस तरह की घटना पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में घटा है वो बहुत ही अमानवीय है, और इस तरह की घटना को राजनीति से ऊपर उठकर बिहार के सभी राजनीतिक दल को इसका प्रतिकार करना चाहिए। इंडी गठबंधन के नेता जो बहुत बिहार के चिंता को लेकर के अपराध की बात करते हैं और बिहार में बहुत सारे रोज जो है डाटा रिलीज करते रहते हैं, उनको आज सोचना चाहिए कि उन्हीं के गठबंधन की सरकार बंगाल में है, और बंगाल में बिहारी के साथ जो अंकित यादव के साथ जो घटना घटी है तो सिर्फ एक नाटकबाजी हो रहा है कि फोन कर रहे हैं। इस चीज को तुरंत इस पर जो है रोक लगना चाहिए कि इस तरह क्षेत्रवाद को बढ़ावा नहीं मिले। ठीक है, भागलपुर में पुल गिरा उसे लेकर तेजस्वी यादव ने फिर से ट्वीट अब किया नहीं नहीं वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, आज का बात नहीं। अभी हम देखे नहीं, देख लेते हैं। मैं मेरा आदत है कि मैं जब तक पूरा समझ नहीं लूंगा तब तक किसी चीज पर बयान नहीं। मैंने कहा ना कि कानून व्यवस्था जो है पहले
विपक्ष के नेता इस बात का जवाब दे कि अंकित यादव को कब न्याय मिलेगा। अंकित यादव जिस तरह से सिलीगुड़ी में उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, पहले उस अपराध को नियंत्रण कराए, उसके बाद तब हम बिहार की बात कर लेंगे, बिहार की चिंता वो नहीं करें। स्मार्ट मीटर को लेकर विपक्ष बड़े पैमाने पर आंदोलन कर रहा, कांग्रेस भी शुरू कर दिया है और राजद 1 अक्टूबर से शुरू करेगा। स्मार्ट मीटर पर जो है, जो विपक्ष सस्ती लोकप्रियता लेना चाह रहा है, विपक्ष का काम था कि विकास की बात करना, लेकिन विपक्ष सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में पड़ रहा है, जनता उसको जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि यह मामला ममता बनर्जी के सरकार में है और उसको एक्शन लेना चाहिए, और जिस तरह से आज चुप्पी साधे हुए है विपक्ष यादवों को लेकर, ना तो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं ना तो अखिलेश यादव, किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। यदि बंगाल में भाजपा की सरकार होती तो अभी जातिवाद का ठीकरा फोड़ते और अभी क्यों नहीं बोल रहे हैं, इस तरह के मांग करते नजर आ रहे हैं वहां पे अंकित यादव के न्याय के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल तो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।